फिर से आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है success.com। चलो आपका बीपीएससी का भी तो जो है बिगुल बच गया। अब बीपीएससी ने आज अनाउंस कर दिया कि 28 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब सोचो आपका धड़कने जो है जाहिर सी है बढ़ गई होगी। खैर कोई बात नहीं, देखो एक ही फंडा है, अंतिम समय में जितना हो सके आप रिविजन करो। जो टॉपिक छूट गया है उस टॉपिक को तुरंत से जाकर उसका रिवीजन करना शुरू कर दो भाई, क्योंकि देखो ये जो वैकेंसी है मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है। और बीपीएससी का एग्जाम निकाल लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन एक बात बता दे आपको कि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है भाई, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली आप अपने आप को तैयारी को टेक्निक से तैयारी करो, आपका रिजल्ट आने का पूरा संभावना रहता है। थोड़ा बिहार पे फोकस करना है और इसी संदर्भ में हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ बिहार के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको मतलब आने का पूरा क्वेश्चन संभावना रहता है भाई, ठीक है। तो हम लोग जो है आज टॉपिक जो आपके पास हम लेके आए हैं वो है बिहार के झील और बिहार के जलप्रपात। यहां से संभावना रहता है कि आपका ये क्वेश्चन दिखाई दे दे, तो शॉर्टकट में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं बिहार के झील के बारे में। तो बिहार के झील में याद रखिएगा कि बिहार के झील में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है कांवर ताल झील। तो पूछेगा कि कांवर ताल झील कहाँ पर है, तो बेगूसराय। और याद रखिएगा इसके पहले बीपीएससी का एग्जाम में 66 में ही पूछा हुआ है कि भारत का एकमात्र रामसर स्थल कौन है, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन है, तो कांवर ताल झील है। कांवर ताल झील कहाँ पर है, बेगूसराय, और ये रामसर साइट है। आप एक बात बताओ, जो रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन कब हुआ था और कहां पर हुआ था, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और एक चीज और बताने के प्रयास कीजिए कि भारत में कुल अभी रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, बताइए। भारत में जो है अभी कुल रामसर साइट की संख्या जो हो गई है वो 75। ये सब फैक्ट पढ़कर जाइएगा। अभी ब्लू फ्लैग जो है समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देकर जाना मेरे भाई, ठीक है। तो याद रख लेना अभी भी पूरे भारत में रामसर साइट कितने हैं, 75, और सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु। तो खैर उसको ध्यान में रखना। तो कांवर ताल झील कहां है, बेगूसराय। कुशेश्वर झील कहां पर है, दरभंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में करिएगा। और कुशेश्वर झील कहां है, दरभंगा। गोगाबिल झील ये भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, गोगाबिल झील कहां है, कटिहार। और अनुपम झील और उसको तिलहार झील भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, कैमूर में है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, दरोगा में जो दूसरा दरोगा आया था उसने पूछा था कि उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण है। उदयपुर जो है राजस्थान में है, लोग मैक्सिमम लोग राजस्थान समझ के उसको लगा दिया था, लेकिन उदयपुर हमारे बिहार में भी है। तो उदयपुर झील पूछे या उदयपुर पक्षी अभयारण्य पूछे, दोनों कहाँ मारोगे, दोनों मारोगे आप पश्चिमी चंपारण में, दोनों मारोगे कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो कौन है, वो आप बताइए हमको, जगतपुर झील। जगतपुर झील कहाँ है, भागलपुर में। सिमरी झील कहाँ है, सहरसा। सिमरी झील कहाँ है, सहरसा। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, राजगीर। और बैरल झील कहाँ है, वैशाली। तो इतना जो है इसमें आपको याद करना होगा, इतना झीलों को जाओगे तो संभावना रहता है कि इस एरिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का एकमात्र जो है नेशनल पार्क भी है और एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा टाइगर रिजर्व बनने की बात हो रही है बिहार के कैमूर में, इस चीज को भी आप याद रखना, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे, कांवर ताल झील कहाँ, बेगूसराय, कुशेश्वर झील दरभंगा, गोगाबिल झील कटिहार, अनुपम या तिलहार झील कैमूर, उदयपुर झील, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, जगतपुर झील भागलपुर, सिमरी झील सहरसा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर, और बैरल झील वैशाली। बार बार इसको देखिएगा वीडियो, या इसको कहीं लिख कर भी आप याद कर सकते हो, बार बार वीडियो भी देखो तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए जलप्रपात के संदर्भ में, तो ये शायद पूछा था 67 में। तो तेलहर कुंड जलप्रपात ये कहां पर है, कैमूर में। याद रखिएगा करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में, ठीक है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर, तुतला जलप्रपात रोहतास, ककोला जलप्रपात नवादा, ये काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। मझर कुंड जलप्रपात रोहतास,
धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास और जीआरखंड जलप्रपात भोजपुर। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर, कलकटगढ़ जलप्रपात कैमूर, करमनासा जलप्रपात बक्सर, तुतला जलप्रपात रोहतास, ककोलत जलप्रपात नवादा, मझर कुंड जलप्रपात रोहतास, धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास और जीआरखंड जलप्रपात भोजपुर। ये जो दुर्गाखंड जो दुर्गावती जलप्रपात है ये बिहार का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। तो बिहार का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो याद रख लेना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात जो रोहतास में है। तो ये जो है आपको मोटा मोटी जो आपको झील और जलप्रपात है, छोटा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छा से याद कर लोगे तो एक नंबर पकड़ाने का चांस रहता है भाई, ठीक है। और बहुत बड़ा हवा नहीं है, अगर आप मन में ठान लोगे तो आप इसको रिजल्ट को निकाल लोगे बीपीएससी का। करंट अफेयर्स बिहार का और सेंट्रल और नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों करंट अफेयर्स को अच्छा से करना है, ठीक है। जैसे नेशनल में अगर बात करते हो आप तो इंडेक्स देख लेना कि खुशहाली सूचकांक में अभी 136 है, शांति में हमारा भारत का स्थान 135 है, मानव विकास सूचकांक में 132 है, भुखमरी में 107 है। तो ये सब थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, कौन मतलब अभी वर्तमान में कौन कौन से किस पद पर कार्यरत है। जैसे चुनाव आयोग के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, तो ये सब भी सम्मेलन, तो वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से आपका। लेकिन छोटा छोटा टॉपिक अभी हम लोग बिहार के व्यक्तित्व को पढ़ रहे थे, उसका जो है कल के वीडियो में आपका दो व्यक्तित्व का और डालेंगे और जो इम्पोर्टेंट लगता है बिहार के संदर्भ में, जहां से आपको फायदा हो, लाने का प्रयास करेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।